वेलकम स्टूडेंट्स, आज फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो देखिए, इसमें एडजस्टमेंट में सबसे पहला पॉइंट दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 28,000। तो देखिए एक बार तो यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 28,000। दो नंबर पे है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट पर आपका जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड है, तो यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो अंदर कोई इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट दे रखा है नहीं है, तो इसी को लिख देंगे एक्रूड, और ये है आपका 1,000, और यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है 10,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 1,000। अनअर्न्ड कमीशन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे, अनअर्न्ड कमीशन देखिए 400 रुपए दिया हुआ है, और यहां लिखेंगे बाई कमीशन। अब देखिए कमीशन आपको दिया हुआ है 2,000 रुपए लेस अनअर्न्ड कमीशन 400 रुपए। इसके बाद देखिए इसमें जो पॉइंट है अनपेड वेजेज आउटस्टैंडिंग वेजेज, ₹3,000, और यहां लिखेंगे टू वेजेज। अब देखिए वेजेज आपको दी हुई है ₹12,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेज ₹3,000। इसके बाद देखिए इंश्योरेंस टू एक्सटेंस ऑफ ₹400 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 400, यहां लिखेंगे टू इंश्योरेंस। अब देखिए इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है 2,400 लेस प्रीपेड 400, 2,000। इसके बाद देखिए रेंट इज पेबल एट रेट ऑफ 500 पर मंथ। अब देखिए ₹500 एक महीने का रेंट है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंट कितना हो गया ₹6,000 टोटल रेंट, और रेंट जो है पे किया है 5,000, तो देखिए यहां लिखेंगे टू रेंट 5,000, और पे करना है 6,000, तो आउटस्टैंडिंग हो गया 1,000, तो ये ₹6,000 लिखेंगे, और यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। इसके बाद देखिए चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 5% ड्रॉइंग, तो देखिए यहां लिखेंगे कैपिटल। अब देखिए कैपिटल आपको दी हुई है ₹46,700 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया हुआ है, तो ₹2,335 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹2,335। इसके बाद देखिए ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
₹500 और आप क्या करेंगे इसका टोटल करेंगे 0 35 49 लेस ड्रॉइंग। अब देखिए ड्रॉइंग में आपको ₹10,000 प्लस इनकम टैक्स ₹2,000 प्लस इंटरेस्ट ₹500 ₹12,500 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 535,63। इसके बाद है राइट ऑफ डेप्रिशिएशन स्कूटर और ऑफिस फर्नीचर पे। अब देखिए यहां लिखेंगे स्कूटर और फर्नीचर, डेप्रिशिएशन 10% दिया हुआ है। तो देखिए स्कूटर की वैल्यू आपको दी हुई है ₹10,600, ₹1,060 माइनस कर देंगे ₹9,540 और फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है 12,000 लेस डेप्रिशिएशन 10% 1,200 ₹10,800 और यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन स्कूटर, डेप्रिशिएशन ऑन स्कूटर ₹1,060, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर ₹1,200। तो देखिए ये आपके जो पॉइंट थे ये सारे एडजस्टमेंट के थे। अब हम अंदर पॉइंट में चलते हैं, कैश इन हैंड दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे कैश इन हैंड 4,400, स्कूटर हो गया ओपनिंग स्टॉक ₹26,000 दिया हुआ है, यहां लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक ₹26,000। परचेज एंड परचेज रिटर्न, तो देखिए टू परचेज 130,200 माइनस परचेज रिटर्न ₹1,200 दिया हुआ है, ₹1,29,000 बच गया आपका। कंप्यूटर बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, कंप्यूटर दे रखा है ₹20,000 का, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का पॉइंट है ₹2,000, इंश्योरेंस हो गया ला चार्जेज ₹500, कमीशन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आता है ₹7,000, इंटरेस्ट ऑन अबव टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹300, डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है डेटर्स 26,000, क्रेडिटर्स 24,500, वेजेस हो गया सैलरी ₹11,000, यहां लिखोगे टू सैलरी ₹11,000, कैपिटल ड्रॉइंग इनकम टैक्स इन्वेस्टमेंट डिस्काउंट अलाउड, यहां लिखोगे टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड दे रखा है ₹4,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड दे रखा है ₹2,000। सेल्स और सेल्स रिटर्न, तो देखिए यहां लिखेंगे बाई सेल्स ₹211,500 लेस सेल्स रिटर्न ₹1,500, ₹210,000 सेल्स दिखाएंगे। बीआर बैलेंस शीट के एसेट में आते हैं ₹5,000, फर्नीचर हो गया, रेंट हो गया। अब देखो आपके सारे पॉइंट हो गए, अब हम क्या करेंगे यहां टोटल करेंगे, तो देखिए ये टोटल आएगा ₹238,000, यहां लिखेंगे ₹238,000 ₹0,000
14, 15, 17 तो देखिए 68,000 बच गया टू ग्रोस प्रॉफिट सीडी। अब ये यहाँ ले आएंगे बाई ग्रोस प्रॉफिट बीडी 68,000। अब देखो यहाँ टोटल करेंगे तो यहाँ 500 और 600, 1100, 69, 70, 71, 73 ये टोटल करेंगे 5, 9, 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 1, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 30 ठीक है। तो ये होगा 5, 0, 7, 42,705 रुपये ये बच जाएगा टू नेट प्रॉफिट। अब जो ये नेट प्रॉफिट आया है हमने इसको कैपिटल में ऐड करना है 42,705 रुपये 240,79। अब ये जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,15,140 दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल होगा 1,15,140।